वर्तमान विधायक से कितना खुश है? उनका कोई भी यहाँ आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं है, आते हैं न कहीं जाते हैं, पूरे ग्राम पंचायतों में कमीशन खोरी चल रहा है। भैया जिंदाबाद। इस वक्त मौजूद है गुड़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर भाजपा नेता नारायण मिश्रा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया गया है। यहाँ पे काफी भीड़ मौजूद है, इतनी बारिश के बाद भी लोग डटे हुए हैं अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए। आइए कुछ लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ पे वो खड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है उन्हें, किस मकसद से यहाँ पर आए थे, क्या लगता है इस बार गुड़ की जनता बदलाव चाह रही है? बदलाव, गुड़ की जनता बदलाव चाहती है। नारायण मिश्रा सपोर्ट पे लगे हुए हैं, नारायण मिश्रा के आजीवन सपोर्ट में रहेंगे और बहुत ही अच्छे जमीनी कद के नेता हैं। नारायण मिश्रा को टिकट मिलेगा। यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हैं या फिर किसी पार्टी के नेता के लिए? नहीं, हम व्यक्तिगत नारायण मिश्रा के लिए आए हैं। किसके साथ आए? हम तो अपने गुड़ के, अपने ग्राम के नारायण मिश्रा जी के लिए हमने आए थे और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमें सफलता मिलेगी, समस्त गुड़ की सफलता, समस्त गुड़ को सफलता मिलेगी, इसी उम्मीद इसी आशा के साथ हम आए थे। हमने जन आशीर्वाद यात्रा को अपनी तरफ से सफल बनाने की कोशिश की, अब आगे जैसा जनता नारा आशीर्वाद देती है, पार्टी के क्या दिशा निर्देश होती है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। काफ़ी देर से आप खड़े हुए हैं, तो पार्टी के लिए आए हैं या फिर नारायण मिश्रा के लिए आए हैं? हम सिर्फ नारायण मिश्रा के लिए आए हैं और हजारों हजार जो जनता नारायण मिश्रा के उसमें आई है उसको धन्यवाद, और नारायण मिश्रा के साथ में रहेंगे हम। क्या लगता है इस बार मौका मिलेगा, पार्टी मौका दे सकती है या नहीं? पार्टी को मौका देना चाहिए, अगर पार्टी मौका नहीं देती है तो गुड़ की जनता स्वतंत्र है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग इतनी बरसात में यहाँ पे खड़े हैं, इसी उम्मीद के साथ खड़े हैं कि हम लोगों को नारायण मिश्रा जी को टिकट मिलेगा, हम लोग उनके साथ रहेंगे। तो हम लोग पार्टी से यही उम्मीद करते हैं कि पार्टी नारायण मिश्रा के ऊपर विश्वास दिखाएगी और हम लोग उनको जिता के दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद लोगों का सिर्फ एक ही नारा है कि इस बार नारायण को टिकट मिलनी चाहिए। ये लोग पार्टी के लिए नहीं बल्कि नारायण मिश्रा के लिए यहाँ पर आए हैं। पर हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हैं या फिर अपने नेता के लिए आए हैं? देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग अपने नेताजी के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे नेताजी को मौका मिलना चाहिए, नारायण भैया को मौका मिलेगा तो नारायण भैया हमारे गुड़ विधानसभा में युवाओं को जो रोजगार की समस्या हो रही है वो ख़त्म करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए इस बार हम नारायण भैया को चाहते हैं, नारायण भैया ही आएंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि अगर टिकट इस बार किसी को मिले तो वो नारायण मिश्रा को मिले, वरना कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि गुड़ की जनता सिर्फ यही चाहती कि नारायण मिश्रा इस बार विधायक बनने चाहिए। वर्तमान विधायक से कितना खुश है? देखिए, वर्तमान विधायक से ना कोई खुशी है ना कोई गम है, उनका कोई भी यहाँ आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं है। पाँच साल की मैं बात करूँ, कोई विकास का काम नहीं है, सिर्फ कहीं ना आते हैं ना कहीं जाते हैं, पूरे ग्राम पंचायतों में कमीशन खोरी चल रही है, हर जगह सिर्फ यही चल रहा है। मतलब कहीं भी अगर देखा जाए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सोलर प्लांट बना हुआ है, इतना बड़ा सोलर प्लांट है, 30% यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलना था लेकिन रोजगार नहीं मिला है। आप जाके देखिए सोलर प्लांट में कितने लोग, ये विधायक की नाकामी थी। विधायक अच्छे होते हमें युवा विधायक चाहिए, नारायण मिश्रा युवा हैं, है ना, 20 साल से कंटिन्यू युवा नेता विधायक थे, बिल्कुल 20 साल से, 4-5 वर्षीय। और बदवार की जो रोड है, बदवार से सीतापुर, अभी भी विकास की गति में देख लीजिए कितना उसमें आपको प्रोग्रेस दिखेगा, चल के देख लीजिए आप, बदवार से लेकर सीतापुर तक। मिश्रा जी, एक बार मौका दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी से मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि इस बार नारायण मिश्रा जी को टिकट दी जाए, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गुड़ विधानसभा में आएगी। जिंदाबाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों का साफ साफ कहना है कि यदि इस बार भाजपा को यहाँ पर जीत हासिल करनी है तो उन्हें प्रत्याशी जनता के हिसाब से बनाना होगा, जनता जिसे कहेगी प्रत्याशी उसे चुनना होगा, तो ही जाकर भारतीय जनता पार्टी को ये लोग वोट करेंगे।